हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज्योति यादव ब्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए हमारे ब्लॉग को। क्रिश को मैंने ब्लॉग शूट नहीं करने दिया तो देखो कितना गुस्सा हो रहा है। फाइनली फिर हम लोग थोड़े बोला उसको बेटा कि आप बाद में शूट कर लेना, क्योंकि वो हर कुछ शूट करता है। और उसके बाद हम लोग बाहर निकले, देखो बाहर का व्यू कितना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा मौसम है। वैसे भी बारिश का मौसम तो बहुत ही प्यारा होता है, शाम का मौसम है 4-5 बजे के आसपास का, तो देखो अब व्यू कितना अच्छा लग रहा है हमारी सोसाइटी का। और ग्रीनरी बिल्डिंग वगैरह बहुत प्यारे लग रही है, बाहर का व्यू रोड का देखो कितना सुंदर व्यू लग रहा है, ग्रीनरी एकदम। और फिर हम लोग रास्ते में थोड़ा सा शूट किया मैंने कि देखो कितना ग्रीनरी लग रहा है। उसके बाद हम लोग पहुँचे फाइनली हमारे डेस्टिनेशन पे जहाँ हमें जाना था। आप बताइए ये कौन सा एरिया है, अगर आप कोई गए हो इस एरिया में, ये कौन सी लोकेशन है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो भी इस लोकेशन को जानते हैं। फिर हम फाइनली हमें जो सामान चाहिए था वो लिया हम लोगों ने यहाँ से, कुछ सूट वगैरह जो भी लेना था। और उसके बाद हम लोग पहुँचे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पर भी मुझे जाना था, गोपाल मंदिर रास्ते में पड़ा। इस मंदिर को देखने के बाद तो आप ज़रूर से मुझे बता पाओगे कि ये कौन सी लोकेशन है। जो भी इस लोकेशन को जानते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहाँ का है। मैं इतना हिंट दे देती हूँ, ये MP में है। जो लोग MP से होंगे उन्हें ज़रूर पता होगा कि ये कहाँ का है। एंड नेक्स्ट ये मार्केट जहाँ पर सभी प्रकार की चीज़ें मिलती है। फिर मैं फाइनली यहाँ पर पहुँची हूँ, यहाँ से भी मैंने कुछ बैंगल्स वगैरह परचेस किए जो कि बहुत प्यारी प्यारी थी। सभी पे मन आ रहा था, सब कुछ लेने का कर रहा था, बट इतने सारे लेके क्या करती मैं, जो मुझे ज़रूरी था वो मैंने लिया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए शूट किया। फिर मैंने यहाँ पर से कुछ बेंगल्स और देखी, और उसके बाद मैंने यहाँ पर थोड़ा सा शूट किया कि देखो आप कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पर। उसके बाद फाइनली हम लोग पहुँचे कुछ खाने पीने के लिए। मेरा तो फास्ट था, बस इन लोगों को कुछ खाना था, क्रिश को उसके पापा को, तो फिर उन लोगों ने छाछ पी और क्रिश ने ली अपनी फेवरेट आइसक्रीम। उसके बाद मैंने थोड़ा सा शूट किया यहाँ पर कि देखते हैं क्या क्या है, घर जाके देखूंगी। और उसके बाद यहाँ पर क्रिश डिसाइड करने में लगा था कि मैं कौन सी आइसक्रीम लूँ, कौन लूँ आइसक्रीम लूँ, कैंडी लूँ, क्या लूँ, क्योंकि बच्चों के सामने इतना सारा आ जाता है तो वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्या ले क्या ले, क्योंकि सब कुछ पसंद है, चाहते सब कुछ लेना बट सब कुछ नहीं दिला सकते। उसके बाद उसने फाइनली डिसाइड किया कि मुझे ये मैंगो कैंडी चाहिए, क्योंकि मैंगो उसका फेवरेट फ्रूट है, उसको मैंगो जूस, मैंगो कैंडी ये बहुत पसंद है, और आइसक्रीम भी पसंद है, कोन भी, बट उसका भी मन था कैंडी लेने का, तो उसने मैंगो कैंडी लिया। उसका मैंगो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हस्बैंड जी छाछ पी रहे हैं, उनको छाछ पीना था, मेरा तो फास्ट था इसलिए मैंने तो कुछ नहीं लिया, बस इन लोगों को देखा मैंने और मेरा मन भी नहीं हुआ, क्योंकि उपवास में क्या ही मन होता, तो कोई मतलब की बात नहीं थी। उसके बाद कृष्ण को मैंने बोला बेटा घर जाके खाना, बट बच्चे कहाँ मानते हैं, उसने इस वाइट सी देख रहे हो आप इतनी क्लीन टी शर्ट शर्ट थी, उसको शर्ट को पूरा ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि उसके पूरा बच्चे उतने स्पीड से नहीं खाते खा पाते जितनी स्पीड से कैंडी मेल्ट होती है। उसके बाद मैंने घर जाके इसकी ड्रेस चेंज की। ड्रेस चेंज करने के बाद हमको मंदिर जाना था, क्योंकि आज शनिवार था और शनि महाराज का व्रत था, और मंदिर में आज क्या बोलते उसको सुंदरकांड का पाठ था, तो हम लोग गए मंदिर में। फिर लिफ्ट में भाई साहब को इतनी जल्दी रहती है कि जल्दी से वो इतना क्लिक करता है कि उसका बस चले तो वो एक ही बार में लिफ्ट को नीचे लेके जाए। फिर उसकी मस्ती चालू थी, मस्ती चालू होने के बाद हम लोग गए मंदिर में। मंदिर में हमने दीपक लगाया और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया। वहाँ का वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम लोग मार्केट से आए तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, तो मैंने वहाँ का वीडियो शूट नहीं किया, जाके सीधा मंदिर में फटाफट दीपक लगाया और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ करने लगे। क्रिश थोड़ा सा मेरा वीडियो शूट कर रहा था, मम्मी मैं आपको भी शूट कर लेता हूँ, मन की ठीक है कर ले। उसके बाद लिफ्ट से बाहर आते हैं, उसकी ये मस्ती वो सीधा तो चलता ही नहीं है, उसको बस आड़े टेढ़े वैसे ही चलना है कि बेटा फास्ट मत जाओ, दौड़ो मत, क्योंकि वो सामने से गाड़ियाँ, शाम का टाइम है, सब लोग ऑफिस से लौटने का वक्त होता है, कार्स आती है ये वो, लेकिन बच्चे कहाँ मानने को है, बट वो अपने हिसाब से चलते हैं। फिर हम लोग फाइनली मंदिर पहुँचे, दीपक लगाया और उसके बाद सुंदरकांड का पाठ किया।
और फिर हम लोग ये देखो अभी पहुँचे नहीं, मंदिर अब पहुँचने वाले हैं। ये देखो बहुत ही शानदार व्यू है, इस सोसाइटी में व्यू बहुत प्यारा है। और उसके बाद हम लोग घर आने के लिए, क्रिश बोले मम्मी मुझे थोड़ा टाइम साइकिलिंग करने दो, तो फिर उसको थोड़ी सी तो साइकिलिंग करने दी, उसने साइकिल 2-3 राउंड लगाए। और उसके बाद देखो कितना प्यारा व्यू है, शाम के टाइम यहाँ पर बैठ के गप्पे शप्पे करना बहुत अच्छा लगता है। सभी लेडीज़ सोसाइटी की आ जाती है। अब कृष्ण ने साइकिलिंग कर ली, फिर हमने बोला चलो बेटा बहुत होगा, क्योंकि घर पे खाना वगैरह भी खाना था, भूख लग रही थी, आज दिन भर से फास्ट था। मैंने बोला कहीं भी लगा दो। अब वो डिसाइड कर रहा कि मैं अपनी साइकिल कहाँ पार्क करूँ, उनके बेटा इतनी जगह है, कहीं भी स्पेस देख के लगा दो, क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत तेज़ भूख। रात के बज चुके थे 8-9 के आसपास, और जाके खाना वगैरह भी देखना था मुझे, तो फिर वो टाइम पास कर रहा था। उनके बेटा जल्दी से जहाँ भी आपको स्पेस दिख रहा है वहाँ पर पार्क कर दो। फिर उसने अपने स्टाइल में लाया बढ़िया, जैसे बड़े लोग लेके आते हैं, और बढ़िया चलाते हुए पार्क किया। मुझे तो डर लग रहा था, बट बच्चे को कहाँ डर लगता है। और फिर फाइनली हम लोग ऊपर पहुँचे, 4th फ्लोर पर रहते हैं हम लोग। ये देखो सीधा तो चलना ही नहीं है ना, इसका बस चले तो पता नहीं, ये सीधा 4th फ्लोर पर ही जाके रुके क्या करे। और उसके बाद हम लोग फिर ऊपर गए, और ये अपनी कुछ कुछ स्टोरियाँ सुना रहा था, पता नहीं क्या बोल रहा था। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा, कौन कौन ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और मेरे चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट करना। कौन सा पार्ट अच्छा लगा आपको ये ज़रूर मुझे कमेंट में बताना। चलो मेरा बेटा भी बोल रहा है मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना। वो सोच रहा है क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको अगर कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैं लास्ट में कुछ पिक ऐड कर रही हूँ जो मैंने ली है, आप देखिए लास्ट तक। बाय। You know.